चैनल निदास ढाबा। दोस्तों आज मैं पनीर दाल फ्रेंची बनाने जा रही हूँ। पनीर की एक और रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, झटपट बनने वाली है और इतनी हॉट एंड इतनी स्पाइसी है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप रोज रोज बनाएंगे। इसको बहुत ही अच्छी लगती है और इसका लुक्स बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसको देखते ही भूख लग जाती है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं पनीर दाल फ्रेंची। जिन चीजों की जरूरत है उनको भी देख लेते हैं। ये दो लोगों के लिए बहुत है और इसमें सारी वेजिटेबल्स स्लाइस में कटी हुई हैं। तो बेल पेपर 10 to 12 स्लाइसेस, रेड बेल पेपर भी 10 to 12 स्लाइसेस, पनीर 150 ग्राम्स, वन मीडियम अनियन 50 ग्राम्स, टोमेटो विदाउट सीड्स 50 ग्राम्स, वन बिग स्पून कोरिएंडर लीव्स, टू बिग स्पून ऑयल, क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, हींग 1/4 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स भी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, पनीर मसाला 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट एंड जिंजर स्लाइस 1/1 टेबल स्पून एंड 2 ड्राई चिली, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। गैस जलाकर हम एक पैन रखेंगे, इसको गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है तो अभी मैं इसमें 2 बिग स्पून ऑयल डाल रही हूँ। दोस्तों बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए सोचा आपसे भी शेयर करूँ। तो ये देखिए ऑयल जो है हमारा वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जीरा डाल दिया, कुछ चुका है तो मैं ये थोड़ा सा हींग इसमें डाल रही हूँ, 1/4 स्पून टेबल स्पून सॉरी। तो मैं ये जो लाल मिर्च है उसको डाल देती हूँ इस तरह से तोड़कर, क्योंकि ये बहुत ही हॉट एंड स्पाइसी रेसिपी है। देखिए इसके बाद मैं ये जो हमारा गार्लिक है उसको डाल रही हूँ। अदरक की ये स्लाइस है और जल्दी से हम ये अनियन डाल देते हैं इसमें। इसके बाद पोटैटो भी ऐड कर देंगे। और साथ में हम ये कैप्सिकम, येलो बेल पेपर एंड रेड बेल पेपर भी डाल देते हैं और इनको अच्छे से चला देते हैं। हमें इनको ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर की जो क्रंचीनेस है वो हमें रखनी है इसमें, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइम जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो मैं डाल देती हूँ। ये टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और चिली फ्लेक्स। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम ये पनीर की स्लाइसेस डाल देंगे इसमें। थोड़ा भी इसको इस तरह से चारों तरफ फैला के डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा सा पनीर को हम इसमें सोते होने देंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो पनीर के अंदर चले जाएं। 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, जिससे इसका कलर और जो टैंगीनेस है वो आ जाएगी। और लास्ट में गरम मसाला
ये मैंने पनीर वाला मसाला लिया है, आप सिंपल गरम मसाला ले सकते हैं। और हमारा पनीर चिल फ्लेक्स रेडी है। थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर डाल रही हूँ। देखिए आप इसका लुक देखिए कितना टेस्टी है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। गैस हम कर देते हैं बंद और ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो देखा फ्रेंड आपने, कितनी इजी रेसिपी है, कितनी सिंपल है और झटपट बनने वाली है। अगर आपके पास येलो और रेड बेल पेपर नहीं है तो आप सिंपल कैप्सिकम, ग्रीन वाली कैप्सिकम का यूज़ कर कर भी इसको बना सकते हैं। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारा जिंजर था उसको डाल देती हूँ और हमारी कोरिएंडर लीव्स। तो ये देखिए रेडी है पनीर जलफ्रेजी।